हाय मैं हूँ मेघा मिर्ची प्लस में आप मेरे साथ और आज जो दो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनमें से ये दोनों के दोनों एक्चुअली ये बहुत ही फेमस हो गए हैं एक बहुत ही कमाल का गाना इन्होंने गाया है जिसको यूट्यूब पे मिल गए हैं ऑलमोस्ट मोर देन 2.6 मिलियन व्यूज़ एम आई राइट गाइस यस यस आई एम प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वर्षा एंड मैडी वेलकम गाइज वेलकम गाइज एंड चूंकि मैंने गाने का जिक्र कर ही दिया है तो आई थिंक शुरुआत उसी से हो जानी चाहिए फिर तो थ्री टू वन दिशा में चला रे बटोहिया कौन दिशा में कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखने देखन दे कौन दे चला रे बटो ही आ, कौन दे ब्यूटीफुल कई wow. yeah. ताली तो बजा दो <laughs> <laughs> very good, very good. <laughs> वर्षा मैडी, आप तो कमाल थे गिटार पे बट वर्षा ओ माई गॉड ओ हार्ट इज इजिंग राइट नाउ क्या गाया है आपने मतलब दिल छू गया एकदम कैसे आया आपको ये आइडिया इस गाने को रिक्रिएट करने का बिकॉज दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग एक रेट्रो गाना है ये तो कैसे आपने सोचा कि इसको हम रिक्रिएट करते हैं सी uh, हम लोग ओरिजिनल्स तो कर ही रहे थे लेकिन hmm. बीच बीच में क्या होता है हर आर्टिस्ट अपने कुछ पसंदीदा गाने यू you नो know, डाल गा के डालना चाहता है करेक्ट गाना मुझे बहुत पहले करना था बट आई वाज क्वाइट बिजी इन एड इंडस्ट्री जिंगल्स गाती हूँ मैं सो ऐसी मैडी आया था हॉलीडेज में hmm. अभी बीच hmm. में hmm. तो मेडी से ऐसी बात हुई कि गाना करते हैं hmm. सो मैडी बोलता हैं हाँ ठीक है इसने पूछा नहीं कि कौन सा गाना है फिर okay. हम स्टूडियो पहुंचे स्टूडियो hmm. जाने के बाद मैंने कहा कि यार एक कौन दिशा में चला रहे बटोहिया गाना है वो करते हैं तो ई सेट ये कौन सा गाना है <laughs> और Sorry. गुरु नहीं है अभी यहाँ पे जो मेरे हाँ. हस्बैंड है जिन्होंने इसका म्यूजिक रिक्रिएट किया है हुँ. तो बोले ये कौन सा गाना है मैंने कहा प्लीज तुम दोनों सुनना मत <laughs> अभी मैं गाऊंगी हाँ. तुम्हारे लिए ये पहला गाना है हुँ. तुम सिर्फ गिटार कर दो हालांकि ये गाता भी है ओके okay. लेकिन गाना मुझे ही गाना था तो मैंने कहा तुम गिटार पे आ जाओ और गुरु आप मुझे हुक् दे दो बारह से साढ़े के बीच में हमने ऑडियो वीडियो जो भी हमें तैयार करना था हमने किया और डाल दिया

अठारा को ट्रेंडिंग का साइन आया और मुझे मुझे और इसको तो मुझे, मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है का वो साइन होता तीर लगा हुआ मतलब ट्रेंडिंग करेक्ट ही टोल्ड मैंने कहा यार ट्रेंडिंग का साइन आ रहा है इस पे तो बोले हाँ ट्रेंडिंग है फिर तो ही वाज ऑल नॉर्मल लेकिन जब वो नोटिफिकेशन टिंग 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 टिटक 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 ट्रि चलना शुरू हुए और उसके बाद वो ब्लॉक ही हो गया

एक है बंदा जिसने पहनाए उसके दोनों पैर नहीं है एंड ही वाज डांसिंग ओ माय गॉड वो तो वो ऐसा लगा कि मतलब सी गूज बम्प ऐसा hmm. लगा कि यार इसको भी मैंने थे रखने पे मजबूर कर दिया तो कुछ तो है इस गाने में एंड रिसेंटली सद्गुरु जी ने इतना ब्यूटीफुल वीडियो डाला है उस गाने पे तो हम तो धन्य हो गए वाओ यू हैव अराइव्ड हाँ आई मीन परसों ही हुआ ना उसने यस परसों ही उन्होंने डाला है हम्म hmm.

सो हाउ डिड लाइक वेन डिड यू थिंक मैं ये छोड़ करके रेटनी me... नहीं मैंने छोड़ा नहीं है मैं आई एम स्टिल वहीं से पैसा आ रहा है वहीं से हम यू you नो know, रोटी सब्जी खा रहे हैं एड इंडस्ट्री में मैं हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु उससे पहले मैं रियलिटी शोज में थी और यू you नो know, जुगत लगा रही थी कहीं से शोज कर लूँ फाइव फाइव थाउजेंड टेन टेन थाउजेंड के शोज कर करके मैं अपना एक भाड़ा निकाल रही थी यू you नो know, कि मेरा मंथली निकला है बट ग्रेजुअली मैंने एक अच्छा धीरे धीरे अपना कर लिया कि मैं थोड़े अच्छे शोज करने लगी शोज से अर्निंग होती थी देन आई हैव मेट गुरु गुरु ने मुझे बोला कि तुम्हें आ जाना चाहिए इस एड इंडस्ट्री में क्योंकि बॉलीवुड तो चलता रहेगा बहुत स्ट्रगल है उसमें देट्स हाउ आई केम ओके अपने तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए वर्षा थोड़ा मतलब फ्रॉम वेर कब आपने गाना गाना सीखा किस से आपने तालीम हासिल करी कहाँ से आए आप और कैसे मतलब सिटी ऑफ ड्रीम्स में कैसे पहुँचे आप मैं बरेली से हूँ ओके okay. और बरेली में सी मेरी जो फैमिली है मेरे पापा आर्मी में थे तो उनको वी आर फोर सिस्टर्स तो उनको ये लगता था कि मम्मी का अलग था पापा का अलग था मम्मी मेरी क्लासिकली ट्रेन थी और वो चाहती थी कि हमारे किसी ना किसी बच्चे में जाए तो तीन को पहले ट्राय कर चुकी थी तो चौथी <laughs> तो चार साल में उन्होंने एक रथ का डब्बा आता था, था बड़ा डालडा का <laughs> तो मुझे बजाने को दिया एंड मैंने अपने हिसाब से साढ़े चार साल की उम्र के हिसाब से बजा दिया तो आ गया इधर मेरा वाला इधर तो आ गया बट इधर पापा का अलग था हुँ. नहीं ये तो पढ़ाई में जाएगी ऐसा तो बहुत ज़्यादा वो था हुँ. तो वहाँ से तालीम मम्मी ने देनी शुरू की फिर उन्हें लगा अब तो ये अच्छा गा रही है चलो इसका मैं एडमिशन कराती हूँ तो पापा से छुप के मेरा एडमिशन कराया उन्होंने मेरे गुरु जी आलोक बनर्जी जी तो मैंने ग्वालियर घर आने से सीखा छुप के जाना छुप के आना छुप के म्यूजिक करना पापा बैंक में आ गए थे वो जब आ रहे होते थे दूर से दिख जाते थे तो वो बाहर गेट पे खड़ी होती थी कि मेरा घर का नाम मेघा है मेघा बंद कर हारमोनियम अंदर रख पापा आ पारे तो वैसा सिनेरियो था मैंने छुप के म्यूजिक किया है और ये कितने साल के बहुत साल चला ये ओके okay. देन इंडियन आइडल में मैं आई एक्सपेक्टर में आई तो भी उनको ये नहीं लगा कि कुछ तो है दिन मैंने अपना पहला गाना निकाला चंदा ने आ नेहारू अपने पैसों से तो उन्हें लगा कुछ है तो धीरे धीरे बात शुरू हुई मतलब वो हमेशा ऑपोजिट रहे लेकिन जब धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा तो फिर वो मेरे साथ आ गए बट hmm. अब जब इतना अच्छा हो रहा है तो वो दोनों ही नहीं है मेरे साथ सो okay. समवेयर so, मैं सोचती हूँ कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी भाई क्या हो रहा है बट इट्स ओके आई थिंक है वो यहाँ यहाँ पर भी है आई एम सॉरी

आई थिंक वर्षा अभी तब नहीं थे आ, उनकी लाइफ में आ, उनके पहले से हमारी दोस्ती है तो हमने काफ़ी गाने तो किए साथ में पर ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कुछ हम कर नहीं पाए रहे पार्टी बहुत करी है हम आइडियाज बस क्रिएट <laughs> करते रहते थे पर कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हमने किया नहीं अभी तक फॉर अभी जो ये ब्रेक मिला है इन दोनों के थ्रू ही मुझे तो उससे मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो चुकी है लाइक स्पॉटिफाई पे तीस लोग सुन रहे थे मेरे ओरिजिनल गाने इन्होंने बताया जब मैं ओरिजिनल गाने लिखता हूँ <laughs> तो कोई सुनने वाला नहीं था उस पर तो हम तो लेकिन फिर भी डालते रहते हैं चार गाने अब तक तो डाल चुका हूँ स्पॉटीफाई पे और नहीं, <laughs> नहीं, आज ही वॉज लाइक सॉरी टू कट यू ही वॉज लाइक इस गाने से पहले अरे मैं मेरा एक गाना है कॉफ़ी उसको यार 40 लोग से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है वो <laughs> क्यों नहीं बढ़ रहा है अटका हुआ था तो वो कॉफी पे भी अभी हजार के ऊपर पहुंच, right. पहुंच रहा है पहुंच रहा है पहुंच रहा है इट्स राइजिंग यू नो आर्टिस्ट को यही चाहिए और, और अभी स्पोटिफाई पे दो लाख से ज्यादा लोग सुन रहे हैं हमारा गाना मतलब मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे परस, इनके भी दो ढाई लाख कुछ पहुँच गया

अब मैं उन लोगों को करके दिखाऊंगी बिकॉज जो मॉड्यूलेशन सीखते हैं ना हम लोग वो इसीलिए तो होता है कि आप हिंदी भी गा लो मराठी भी hmm. गा लो गुजराती भी गा लो इंग्लिश भी गा लो तो वो मॉड्यूलेशन दिखाने का टाइम आया है कि अब कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो कि आपको है मन की मैं ये वाला इंग्लिश गाना मेरा है क्या अभी इंग्लिश है ना हा? तो मैं मुझे लिरिक्स ही नहीं मालूम है <laughs> 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 तो मैं क्या गाऊंगी बताओ क्या गाऊंगी मैं लोग कहेंगे ये वाना भी सिंगर है यार म नॉट वॉनअबी बट अगर मुझे प्रॉपर लिरिक्स सामने लिख दी जाए तो मैं उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूंगी एंड अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे कि ओवर नाइट सॉन्ग जब ऐसे हिट हो गया तो फॉलोअर्स hmm. बढ़ गए थे hmm. आपके इमिडिएटली right. तो किसी ऐसे सेलिब्रिटी या किसी सिंगर ने आपको रीच आउट किया टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सॉन्ग बहुत सारे लोग आई मीन भारतीय जो लाफ्टर क्वीन है उनका वीडियो मैसेज आया उन्होंने अपने बेटे के साथ एक वीडियो मैसेज भेजा कि आपका गाना बहुत अच्छा है जैसे ही मैं देखे गाती हूँ तो वैसे ही वो मेरा मुंह खींच लेता है ऐसे कि अरे मुझे देख उधर मत देख एक वो है बहुत सारे सुनील ग्रोवर जी का मैसेज आया देन जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था वो था करण जौहर जी ने मैसेज किया एंड ही सेड कि कौन दिशा यूर कौन दिस सच अ वाइब तो मतलब मैं, मैं सोने जा रही थी नींद ही नी चली गई नींद नींद उड़ गई सच में फिर मेरे नोटिफिकेशन तो खुल ही नहीं रहे तो मैं उनके प्रोफाइल पे गई तो फॉलो बैक का वो दिख रहा था फॉलो बैक करण जौहर की प्रोफाइल पे उन्होंने मुझे फॉलो किया होगा तभी तो दिख रहा था कि फॉलो बैक तो मैंने कहा ये इन्होंने फॉलो किया है <laughs> So, मुझे कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया गुरु ने कि यस इट इज ट्रू एंड फॉर यू आल्सो मैडी इतना ही आपके लिए भी इट वाज लाइक क्रेजी मेरे लिए तो यही काफी है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि तीस से दो लाख पे पहुंच गया <laughs> उससे बड़ा अचीवमेंट ओरिजिनल गानों के लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि मैं ओरिजिनल डालता जाता डालता जाता तो यहाँ तक इतना जल्दी पहुंच पाता हम्म hmm. आप जैसे ओरिजिनल गानों की बात कर रहे हैं टेल मी अबाउट योर ओरिजिनल सॉन्ग्स ओरिजिनल uh, मैंने शुरू किया था बावरे से जो राग यमन पे uh, एक बंदिश को मैंने और लिरिक्स ऐड करके सुना करके सुनाइए थोड़ा सा ओके आएगा बावरे बावरे ननवा कहां गए मोरे देखो सावरिया बाबा यार ऐसे ही गाते रहो ना रुको मत यार बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बहुत मजा आ रहा है ऐसे ही सुनते रहती मैं आंखें बंद कर लेती हूँ तो पार्टी है। <laughs> है तो uh, uh, you know, होती है तो म्यूजिक के नाम पे होती है ऐसा नहीं होता है कि अरे... Jam, आ, कितने होते हैं हम लोग सब अपना सब छोड़ देते हैं किसने खाया नहीं खाया क्या नहीं सिर्फ म्यूजिक अच्छा एक बताओ जैसे अभी आपने ये वाला सॉन्ग रिक्रिएट किया उसी एरा से अगर मैं पूछूं आपको मतलब कोई रेट्रो एरा से पुराने आ, गोल्डन क्लासिक से कौन सा और दूसरा गाना है आप जो ट्राई करना चाहोगे आ, एक गाना है इसी फिल्म का है आ, मैं बिल्कुल भूल गई अभी <laughs> क्या हो रहा है मुझे <laughs> जब तक पूरे ना हो फेरे सा तब तक दुल्हन नहीं की दुल हाँ कब ओके okay. जब तक पूरे ना हो फेरे Wow. So, सारे गामा का ही है और बेसिकली सारे गामा को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी साथ साथ hmm. जब मैं ये गाना कर रही थी मुझे नहीं मालूम था ये सारे गामा का गाना है okay. जब ये गाना थोड़ा सा बुलंदियों की तरफ जा रहा था देन अभिमन्यु मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी कॉल करो मुझे hmm. अब भी कॉल करो और जो अभिमन्यु ने कहा वो निभाया अभी मैंने बोला कि कितने स्पॉटिफाई लिसनर्स हैं तो मैंने कहा कुछ होंगे 1900 बोले बस वर्षा आप जो टैलेंट रखते हो ना उसको हम बस हमें हमें पुश करना है बस हमें हमारे साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो आई विल शो यू एंड उसने किया जो उसने कहा वो उसने किया एंड hmm. हम देख भी रहे हैं YouTube पे 2.6 मिलियन एग्जैक्टली वाओ इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड ठीक है इस uh, सदी से कौन सा कोई गाना है जो आप लाइक इफ यू वुड वॉन्ट इफ यू गेट अ चांस तो आप गाना चाहो वो इट कैन बी एनी सॉन्ग बॉलीवुड का भी हो सकता है कोई सिंगल हो सकता है कुछ है ऐसा गाना जहन में जो oh. आपको लगता है कि आप में आप बेहतर तरीके से गा सकते थे ऐसा नहीं, नहीं है हर हर आर्टिस्ट hmm. अपने आप में बेहतर होता है मेरी तरह कोई और नहीं गा सकता मैं किसी और की तरह नहीं गा सकती तो सब सभी मेहनत कर रहे हैं मैं चाह रही हूँ कि सारे आर्टिस्ट की लाइफ में ना ये एक पल आना ज़रूर चाहिए जब वो लाइम लाइट में आता है you ना know, लोग उसे रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल है ये चाहे मैं हूँ चाहे आप हो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब सब चाहते होंगे सो so, अभी हाल फिलहाल में टेली द ट्रुथ मुझे कोई भी गाना नहीं समझ आया मुझे जो भी पसंद है वो 80s के पीछे के जितने भी आप ले लो 90s से ले लो पीछे के वही पसंद है ओके okay. कुछ-कुछ कुछ-कुछ बीच में है जैसे अमित त्रिवेदी जी की कंपोजिशंस है वो कुछ-कुछ अच्छी हैं यू नो मनमर्जी आई लाइक मनमर्जीया सुना दीजिए फिर प्लीज <laughs> सीन <दीजिये फिर> <laughs> <सुना दीजिये। laughs> देखो हिंदी नाइनर जाएगा दिल okay. एक और बढ़ा दो पर। दिल में जागी इश्क वाली मनमरजिया मनमरजिया से भोली भाली मनमर्जिया मनमर्जिया वाओ शिल्पा राव को फुल टक्कर दिया बहुत <उने. laughs> <laughs> 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 कमाल मतलब आई एम सो मेसमराइज की एक एक के लिए से जोन आउट ही होगी मैं खुद की। उस एरा में चलेगी ओके ओके कम बैक। तो बताओ कि कैसा चल रहा है अभी के लिए। अभी इसको थोड़ा सा पचाना बाकी रह गया क्या सही में हो रहा है बरेली से आप आते हैं तो uh, क्या कहते हैं कितना मतलब वैन यू मूव टू बॉम्बे कितने कितने साल के थे जब आप बॉम्बे मूव करा आपने अब साल तो नहीं मालूम मुझे बट या टू थाउजेंड नाइन में आई थी मतलब यू वो यंग राइट यू मूव कितना अंतर लगा मतलब मूविंग फ्रॉम अ बरेली इज अ स्मॉल टाउन टू मूविंग टू अ मेट्रो सिटी कितना बहुत डिफरेंस है हाँ बहुत डिफरेंस है और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और मेरी तरह कितने लाखों करोड़ों आर्टिस्ट यही जिंदगी जीते हैं स्ट्रगल 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 मीटिंग पीपल यू नो कोई आसानी से नहीं बात करता है यहाँ बट मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है मुझे बल्कि आज मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतना सब कुछ करते 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 यहाँ आई हूँ तो जो स्वाद चख लिया है मैंने पीछे वो अब मुझे एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे आगे लेके जा रहा है बस ऐसा है अदरवाइज़ hmm. मुंबई और बरेली बहुत डिफरेंस है यहाँ मैं एक परसों एक बंद गोभी लाई थी पर्पल कलर की उसको मैंने बॉईल किया और उसने कलर छोड़ दिया हाँ <laughs> बरेली में करती ना तो ये कलर क्योंकि यहाँ तो कलर डाल के बेचते हैं ना सब्जी <laughs> तो ये अंतर है मुंबई एंड बरेली में कलर चला Wow, I can मैं, so थोड़ी relate to it. मैं थोड़ी सी बेशरम सी हूँ पता नहीं <laughs> ये तो चलते हैं यही तो चाहिए मुझको यही यही बातें जो है मुझे उगलवानी है आपसे जैसे मैंने उगलवा कलर पर्पल कलर और हाथों में भी लग गया वो कलर फटाफट से व्हाइट चुन्नी डाल देते डाई हो जाता <laughs> वहीं पे एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं आपके अभी नेक्स्ट टाइम यही करूंगी नेक्स्ट टाइम तो मंगाऊंगी ही नहीं बैंगन तक के कलर छूट जाते इधर <laughs> इतना नकली है सब मतलब क्या यार सारा ऑन एयर जा रहा है है कहेंगे नकली अब इसको निकालो इंडस्ट्री से <laughs> नहीं नहीं, <laughs> नहीं, नहीं नहीं मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ स्मॉल टाउन मैं, <laughs> <laughs> तो मैं देहरादून से आती हूँ so wow. मतलब मैं भी एक टाइम पर यूपी का ही पार्ट थी उत्तराखंड यूपी <laughs>

इनिशियली जब मैंने अपने गाने बनाना शुरू किए औरिजिनल फिर मेरे को किसी ने बोला कि तुझे यहाँ पर रहने से कुछ नहीं होगा ओरिजिनल गाने करने तो तेरे को बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा ओके okay. क्योंकि वहाँ पर ही इसकी इंपॉर्टेंस तेको पता चलेगी कि ओरिजिनल गानों से क्या हो सकता है अगर गाने अगर पिच करने हैं कुछ भी करना है hmm. तो आई मूव टू बॉम्बे गुरु भाई के भरोसे <laughs> वो तब अकेले रहते थे बैचलर थे मेरी तरह तो हम दोनों साथ में रहते थे और काफ़ी मैंने नहीं नहीं काफ़ी कुछ सीखा मेरे को आ, वीडियो एडिटिंग उन्होंने सिखाया म्यूज़िक रिकॉर्डिंग उन्होंने सिखाया और काफ़ी गाइड भी किया मैंने उनको अपने ओरिजिनल सुनाए थे उससे ही वो इम्प्रेस हुए और हम दोस्त बने वैसा हुआ तो फिर बॉम्बे में जब मेरी जर्नी चालू हुई फिर तीन चार साल यहाँ पर रहा मैं फिर वापस शिफ्ट हो गया अहमदाबाद में जब कोविड हुआ तब फिर वापस अभी अप डाउन करता रहता हूँ जब भी काम होता है मतलब कौन दशा के लिए ये बेचारा पांच बार आया बार आया पहला अंतरा दूसरा अंतरा तीसरा अंतरा पहला हो चाहिए अभी चाहिए ये शूट चाहिए वो शूट चाहिए बेचारा है अहमदाबाद टू मुंबई ऐसा हो रहा है बट डेडिकेशन तो भाई रंग लाया ना तो नहीं पर अच्छा है बॉम्बे कभी भी बुलाए तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ अब मुझे तो गुरु भाई से मिलना है भाई गुरु एक्चुअली उनका नाम गुरु इसीलिए

पॉपुलर होता है वर्षा हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन मतलब बचपन से लेकर अब तक मेरा नाम मत लेना माय मॉम और क्योंकि उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया था और बहुत छुप छुप के सिखाया है छुप छुप के पैसा भेजना यू you नो know, कि तू जा रहे मैं उधर ऐसा इस तरीके का हाँ वैसा था उनका सो hmm. so, वो इंस्पिरेशन है और उसके बाद गुरु क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी तो मैं सिर्फ गाती थी और वो पतली आवाज़ में नहीं लड़ गया आ, वैसा वाला टोन था देन ही सेड भाई यू यू हैव अ नाइस वॉइस कल्चर इसको एक्सप्लोर करो खरज में करते हैं इसको तुम्हारी वॉइस को तो जहाँ मैं डी ई उधर मेल मेल स्केल में गाती थी तो उन्होंने मुझे खरज में धीरे 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 लेकर आया उन्होंने ईजाद बोलते हैं कि एक वॉइस कल्चर को नया एक आयाम दिया कि दिस इज योर एक्चुअल खरज वो लोगों को पसंद आ रही है एंड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी खरज uh, लो स्केल्स को बोला जाता है hmm. लो स्केल्स को बोला जाता है तो उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं और बहुत ही इंटेंस होती हैं वो आप स्वेट कर जाते हो इतनी इंटेंस होती है तो वो आई डिड इट मतलब मालूम तो मुझे था लेकिन मैं बहुत चौड़ में रहती थी अरे मैं तो बहुत पतला अच्छा गाती हूँ मुझे भी श्रेया घोषाल जैसा श्रेया घोषाल बहुत अच्छी आवाज़ है लेकिन सबका अलग अलग टोन होता है सब तो वो एक्सप्लोर किया मैंने देन मैंने एडिटिंग सीखी फ़ोटोशॉप सीखा शूटिंग सीखी सो so, हम दो ही टीम हैं वो कैमरे के पीछे खड़े होते हैं मैं इधर खड़ी होती हूँ मैं डायरेक्शन अपने आप को ही दे रही होती हूँ उनको दे रही होती ऐसे लो ऐसे इस एंगल से लो नीचे से लो पिक्चर से ऐसा वो सारा हम लोग दो ही टीम है अभी मेडीज़ वाले गाने से आए तो अब हम तीन की टीम हो गई है ब्यूटीफुल चार हाँ। ब्यूटिफुल बढ़, लो। <laughs> बढ़ रहे हैं अनुपम जी पीछे खड़े हैं ये मैनेजमेंट में आ गए हमारे साथ सो ही इज डूइंग गुड आई मीन एक आर्टिस्ट के लिए जो बेस्ट कर पाते हैं ही इज डूइंग इट वर्षा मुझे बताइए कि बचपन में आपको मम्मी ने म्यूजिक तो सिखा दिया था बट ऐसा कभी होता था कि ऐसे बर्थडे पार्टीज में या जब मेहमान आते हैं घर में या रिश्तेदार आते हैं तो ऐसे बच्चे बच्चों को मम्मी पापा बोलते हैं ना चलो गाना का दिखाओ बस आपने जो डांस कर करके पकड़ी है ना।, ना अभी ओहो ये तो बचपन ऐसा ही बीता है और मतलब क्या ही बताऊँ ऐसा गुस्सा आता था और वो एंगर है मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरा कहीं फट जाता है मम्मी बैठी हैं मेरी तो जो नाश्ता रखते थे उस पर नज़र होती थी कि अरे कोई आया तो चल इन्होंने आज छुप के जो बिस्किट निकाल के इतने टाइम से लेकर आई हैं मुझसे छुपा रही थी <laughs> उस पर नज़र हमारी बेटी बहुत अच्छा गाती है बहुत हाँ सिखा रहे हैं हम इसको अभी गाओ ना बेटा जब वो गाओ ना बेटा और उसके बाद सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया तो वो आई थिंक उससे कहीं ना कहीं पोष मिला है लेकिन वो बहुत वैसा था कि आपकी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है काम तो वो तो बहुत सारे ओकेजन पे हुआ है है दोस्तों ने भी किया है? अभी भी करते हैं क्या कुछ दोस्त लोग हाँ यार, करते हैं सीरियसली करते हैं कि हैप्पी बर्थडे की दो दारू वारू नहीं पीती हूँ लेकिन जब कोई दारू पार्टी होती तो मैं अलग पानी वानी पी रही होती हूँ उन लोग को चढ़ जाती है अरे वर्षा यार गाना सुना यार एक अरे ये कोई बात हुई

जिसकी बदौलत मुझे अभी रोज रियाज की जरूरत नहीं पड़ती इतना पॉलिश कर लिया है बट स्टिल आई एम टू आवर्स तो कहीं नहीं गए दिन के दो घंटे हाँ, रियाज करते हैं।, हैं कभी भी करूँ कभी भी करते हैं ओके एंड खर्च कभी रियाज करते हो हाँ जी। रोज उसका भी रियाज करते हो ओके कूल एक फटाक से छोटा सा गेम खेल लेते हैं ठीक है मैं कुछ ऐसे रैंडम ही वर्ड्स बोलूंगी आपको मुझे है कि वो वर्ड को देने वाला है मेरे सा तो फुल चिल में अपनी हाँ तुम्हें बजाना पड़ेगा गिटार पता है ना जब वो गाना गाएंगी तो चलो नहीं होगा मुझे सोचना पड़ेगा ये फिर एक घंटे का हो जाएगा ये शो फिर तो चलो मैं भी हेल्प हम लोग भी मदद कर देंगे आपकी चलो ठीक है इजी उससे शुरू करते हैं बेस्ट फ्रेंड को लेकर के कौन सा गाना गाओगे अरे यार <laughs> बता तो? तो दूं हां यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना तेरे जैसा यार कहा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना सुपर अच्छा, अच्छा तो कर रहे हो इतना लंबा गाओगे तो अभी और और भी और है तो <laughs> नहीं नहीं प्लीज बोलेगी कि अरे यार मैं सर तो यार बंद कर नहीं चार, नहीं एक ऑप्शन में बंद हो जाएगा तो है। मैं तो फुल फील में भाई, मैं तो बंद करके खड़ी हूँ चेहरे पे तो है इधर तो स्माइल ही नहीं है तो मुझे लग रहा है ये लोग अरे जल्दी से जाए ये लोग हंस तो प्लीज कॉफ में मत रखो हमारे गेस्ट्स को क्योंकि हमारा बहुत फ्रेश फ्रेश वो हो रहा है ना एक्सपीरियंस हो रहा है तो अच्छा, हमें लग रहा, रहा, रहा है कि गाने कोई का ना जाए। है, लेकिन ये तो नॉर्मल है इसमें तो कुछ भी गा सकते हैं हाँ हाँ कोर्स जो गाना आपके पहले जहन में आ जाए आपको वो गाना है ठीक है um, ठीक है तो हो गया पहला प्यार हाँ पहला पहला प्यार तू पहला पहला प्यार है मेरे तू पहला पहला प्यार है मेरा wow. That's something. भाई ये बहुत सही जाएगा <laughs> वेस्टर्न में वर्षा बता रही हूँ मैं आपको खेच लो अब आप <laughs> अंग्रेजी गाने खेच लूंगी ओके एक और करते हैं uh, कोई भी ऐसी चीज दैट यू हेट उसके लिए कौन सा गाना हेट hmm. नफरत वाला कौन सा गाना कबूतर कबूतर जा ज्यादा वो स्टूडियो में वो इतनी सारी पोटी करके जाता था <laughs> हेड कबूतर यार कबूतर जा 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 कब <laughs> क्या स्केल दे <ने> रहा है यार हम कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी हाँ पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा 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 कबूतर जा जा, जा। वाह इस मतलब ये तो सेम इमोशन है इवन आई हेट कबूतरस कबूतर और मुंबई में तो कबूतर के साथ-साथ कौवे भी हैं <laughs> भी हैं और कौवे के साथ-साथ जो मच्छी की स्मेल है ना वो भी है अब गाड़ी के शीशे खोल के देखो एक बार तो ये पर... वाला ये वाला एपिसोड हम ऑफ द माइक करते हैं ठीक है <laughs> यू वर्षा मी माइक ऑफ फिर हम बैठ करके ये वाला एपिसोड करेंगे अभी एक और कर लेते हैं माँ को लेकर के कौन सा गाना ज़हन में आता है माँ के लिए मैंने एक गाना बनाया था और हुं, 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 हुं। 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 कौन सा मेरा यकीन तो मेरा विश्वास है माँ मेरी जमीन तो मेरा काश है माँ खुदा तो देखा नहीं यहाँ तो मेरे आस है खुदा तो देखा नहीं तो मेरे पास है मेरी जमीन तू मेरा आकाश है माँ मेरी जमीन तू ये रिलीज हुआ है यस yes. कोई wow. ना कोई सुनता नहीं आप सुनेंगे सारे <laughs> <laughs> हाँ ये अच्छा ये अच्छा प्लगइन था Correct. कि अपना ओरिजिनल <laughs> भी

पे हैं ऑलरेडी तो मिर्ची शब्द को लेकर के कौन सा गाना आपके जहर में है? मैं तो रस्ते से जा रही थी मैं तो आइसक्रीम खा रही थी मैं तो नैना लड़ा रही थी रस्ते से जा रही थी आइसक्रीम खा रही थी नैना लड़ा रही थी मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं <laughs> स्केल नहीं इसमें <laughs> नहीं दिए <थीण है। laughs> <laughs> 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 बहुत ही कमाल गाइज बहुत ही कमाल जाते जाते वर्षा एनी पार्टिंग थॉट्स जैसे आप ने इतना खोल करके बोला कि आर्टिस्ट्स को लेकर के आपने बात करी तो एनी पार्टिंग थॉट्स ऑन दीज न्यू एज सिंगर्स और न्यू एज आर्टिस्ट्स आप दो शब्द उनको कहना चाहें तो क्या सलाह देंगे डॉक्टर होते हैं इंजीनियर्स होते हैं थौर् जो भी विधा आप ले लो पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना डिग्री लेनी पड़ती है तभी उनको एक एलिजिबल होते हैं वो ऑपरेशन करने के लिए ओटी में जाने के लिए तो कुछ लोग न्यू कमर्स हैं अगर उनको ये ये पहले वो डिसाइड कर लें कि उनको किस तरीके की उपलब्धि चाहिए छोटी चाहिए बड़ी चाहिए छोटी <clears throat> चाहिए तो आप पॉलिश मत करो अपने गले को आप वहीं उसी दायरे में घूमते रहो अगर आपको बड़ी उपलब्धि चाहिए आप बहुत बड़ा सपना लेके अगर बम्बई आए किसी शहर से अपनी आवाज़ को पॉलिश करें बहुत इंपॉर्टेंट है लोग ये भूल जाते हैं अरे मैं नेचुरली गाता हूँ अरिजीत सिंह इज देर श्रेय घोषाल जी इज़ देर सुनीति इज देर सोनू निगम इज़ देर लता जी इस देर उन सबका उदाहरण लेके इन लोग को अपना शहर छोड़ना चाहिए कि आप में कुछ आपके गले में कुछ बात होगी ऐसा ना हो कि आप बेसुरे हो जाओ और तुरंत ही अगर मैं अभी बेसुरा गती तो आप यही तो सोचते अरे इसको थोड़ा सा और करना है काम सो so, मेरे हिसाब से इन लोग को जितने भी न्यू कमर्स हैं इन लोग को अपने आप को पॉलिश करना चाहिए अपने गले को सवारना चाहिए बस यही बोलना चाहूँगी ब्यूटिफुल मैडी आपके दो शब्द आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को जो भी आर्ट में हो मतलब गिटार बजा रहा है सिंगिंग है कुछ भी है तो उनको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए और इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई उनको बुलाएगा या कोई उनको पुश करेगा क्योंकि वो चीज़ तभी होती है जब खुद अपने आप को पुश करेंगे तो बस जो जैसा कि भाभी ने वर्षा बता, ने बताया <laughs> <ते> <laughs> इसको तो <laughs> थी ने। भावी बोला तो तोड़ <तुम्हारे>

वो है रेशमा जी और hmm. लता जी बहुत रेयर है जो कम लोग रेशमा जी का नाम लेते हैं राइट right. सो so, जो मेरी सिंगिंग आप देखेंगे ना थोड़ा सा डेप्थ लेके जाती हूँ मैं तो वो मैंने वहाँ से लिया है hmm. हरकतें मुर्गियाँ मैंने लता जी से लिए वैसे तो एक जाने से पहले एक रेशमा जी का गाना अगर हो जाए लता जी की मुर्खियों के साथ तो मतलब <laughs> वाह मतलब okay. वाह हो जाएगा सीधो फिर देखते हैं आशियाने की बात करते हो आशिया दिल जलाने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो आशिया हो <laughs> बहुत शानदार रेशमा जी की रूह थी लेकिन हरकतें लता जी की थी वैसे और आवाज <laughs> आवाज <laughs> मेरी थी <laughs> थ्री इन वन डिश थी बट गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस योर बहुत मजे आए मुझे आप लोगों से बात करके एंड वर्षा माय गॉड

और गाते भी बहुत पे आने के लिए. Thank you. And, uh, cheers. Yeah, cheers. <laughs> Hi, मैं वर्षा सिंह मेरा नाम है मैडी और आप लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं मिर्ची प्लस कैंडेड कॉर्नर में हाय मैं जो मेघा और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं मिर्ची प्लस के कैंडेड कॉर्नर पर